नमस्कार बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? मेहंदी स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का खूब खूब स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम कौन सी कक्षा लेंगे? आज हम कक्षा चौथी। कौन सी कक्षा लेंगे बच्चों? चौथी। और कौन सा विषय लेंगे? हिंदी। तो बच्चों, आज हम इकाई चौथी। कौन सी इकाई? इकाई चौथी का क्या करेंगे? पुनरावर्तन। तो हमने अगले तास में क्या क्या सीखा और किसका पुनरावर्तन किया, उसके पहले बच्चों बातचीत कर लेते हैं कुछ नया सीखने से पहले। तो अगले तास में हमने इकाई चौथी, जिसका नाम है अपने बारे में। आपको पता ही है अपने बारे में, यानी किसके बारे में? आपके बारे में। तो इकाई में हमने एक से कितनी खाली जगह का पुनरावर्तन किया? एक से 17 खाली जगह थी ना। तो एक से 17 खाली जगह का पुनरावर्तन किया। फिर प्रत्येक शब्द दो बार लिखिए। यह शब्द इसलिए दिए हुए हैं ताकि कोई भी शब्द आधारित खाली जगह पूछी जा सकती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बात करूं कि आपके पिता की बहन को क्या कहते हैं, तो आपको पता ही है क्या कहते हैं। तो वह आधारित यह शब्द दिए हुए हैं। और खाली जगह हम भी आपको आपका परिचय तो लिखना है। तो यही सभी हमने पुनरावर्तन में लिया था ना। सभी बच्चों ने पुनरावर्तन अपनी रिवीजन बुक में अच्छे अक्षरों में लिख डाला होगा ना। तो आज कुछ नया सीखना है ना, और नए का पुनरावर्तन करना है ना। तो चलो बच्चों, इकाई चौथी का क्या करेंगे हम आज? पुनरावर्तन करेंगे। तो हमने अगले तास में एक से दो प्रश्न लिए थे, आज तीसरा प्रश्न लूंगी। तीसरे प्रश्न में लिखा है कि उदाहरण के अनुसार खाली जगह में उचित शब्द लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर पहले आपको समझने के लिए, यहाँ पर ऊपर दिख रहा है ना, यहाँ क्या दिया हुआ है, कोई बताएगा? वेरी गुड। क्या है? उदाहरण क्यों दिया गया है? क्योंकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, इसलिए उदाहरण बच्चों यहाँ पर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर सूचना पढ़ते हैं कि उदाहरण के अनुसार खाली जगह में उचित शब्द लिखिए। तो पहले उदाहरण देखते हैं बच्चों कि यहाँ पर उदाहरण किसका दिया हुआ है? किसका दिया हुआ है? पिता का। तो
उसके सामने यहां पर लिखा हुआ है। क्या लिखा है? माता। तो जिस प्रकार पिता आपको दिया जाए, तो उसके सामने अगर खाली जगह पूछी जाए तो क्या लिखना है आपको? माता। क्या लिखना है? माता। उसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। पहले जिस प्रकार उदाहरण दिया था, उसी प्रकार आपको क्या करना है? खाली जगह भरनी है। अगर यहां पर माता पूछा जाए और यहां पर क्या लिखना है आपको? पिता। उसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पर क्या लिखा है? कौन पढ़े गया? सभी बच्चों ने पढ़ लिया, पढ़ लिया है ना? तो यहां पर भाई लिखा है। क्या लिखा है? भाई लिखा है। तो आपको पता ही है कि भाई पूछा जाए तो उसके सामने क्या लिखना है? कौन बताएगा? क्या लिखा है बच्चों? भाई लिखा हो तो उसके सामने आपको क्या लिखना होगा? बहन। उसी प्रकार से आगे देखिए, यहां पर क्या लिखा है? दादी। क्या लिखा है बच्चों? दादी लिखी है। तो दादी के सामने क्या आएगा? दादा आएगा। क्या आएगा? दादा। तो आपको परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि खाली जगह दादी, तो खाली जगह में आपको क्या लिखना होगा? दादा। अब हम तीसरी खाली जगह की ओर आगे बढ़ते हैं। यहां पर लिखा है मामा। क्या लिखा है? मामा। अगर आपको ऐसा भी प्रश्न पूछा जाए कि आपकी माता के भाई को क्या कहते हैं, तो आपको क्या उत्तर लिखना है? कौन बताएगा? मामा। क्या लिखना है आपको? मामा। इस प्रकार पूछा जाए कि आपकी माता के भाई को क्या कहते हैं, तो आपको मामा। इस प्रकार उत्तर लिखना है। ऐसे भी प्रश्न आपको बच्चों पूछे जाएंगे, तो आपको बच्चों सोच समझ कर आपको परीक्षा में निशानी करनी है। तो यहां पर मामा लिखा है तो उसके सामने क्या लिखना है? मामी। क्या लिखना है आपको? मामी। इसी प्रकार यहां पर देखिए, चाची लिखा हुआ है तो उसके सामने क्या लिखना है? चाचा। तो उसका भी मैं उदाहरण देती हूं। अगर आपको ऐसा भी प्रश्न पूछा जाए कि पिता के भाई को
यहाँ पर सवाल सुनिए बच्चों कि माता के नहीं अब किसके भाई को, पिता के भाई को क्या कहते हैं। तो आपको क्या उत्तर लिखना है चाचा, ऐसे भी प्रश्न आपको बच्चों पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर चाची के सामने क्या लिखना है चाचा। उसी तरह आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है फूफी, तो उसके सामने क्या लिखना है फूफा। उसी प्रकार यहाँ पर क्या लिखा है मौसा, क्या लिखना लिखा है मौसा, तो उसके सामने क्या आएगा मौसी, क्या आएगा मौसी। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे, ऐसे भी पूछे जाएंगे खाली जगह में, सही या गलत विधान में, कि आपकी माता की बहन, माता की बहन को क्या कहते हैं। तो आप क्या उत्तर देंगे, किसे पता है मौसी, क्या उसका उत्तर होगा मौसी। माता की बहन को क्या कहते हैं मौसी। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, हमारा आखिरी खाली जगह, यहाँ पर लिखा है नाना, तो उसके सामने उत्तर में क्या होगा नानी। तो आपकी माता के पिता को क्या कहते हैं नाना, क्या कहते हैं नाना। तो यह खाली जगह हमने अच्छी तरह से समझ ली है और खाली जगह का अच्छी तरह से सभी बच्चों ने पुनरावर्तन भी कर लिया है और सभी को अच्छी तरह से समझ में आ चुका है ना। एक बार और पढ़ते हैं मेरे साथ, आपको भी पढ़ना है बच्चों, वीडियो देखते देखते पढ़ रहे हो ना, तो चलो पढ़ते हैं। पिता के सामने माता, भाई के सामने बहन, दादा के सामने दादी, मामा के सामने मामी, चाचा के सामने चाची, फूफा के सामने फूफी, मौसा के सामने मौसी, नाना के सामने नानी। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखिए कि कोष्टक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। तो यह प्रश्न बच्चों आपको अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि इसमें से अवश्य प्रश्न खाली जगह के रूप में परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आपको यह खाली जगह अवश्य याद रखनी होगी। अगली हमारी परीक्षा थी जो चली गई FA 3 की, उसमें कई बच्चों ने गलतियाँ की में व में, तो यह गलती यह परीक्षा में सभी बच्चों को दोहरानी नहीं है। आपको इस बार सभी बच्चों को परीक्षा में 20 में से 20 आना चाहिए, ऐसी मेहनत करनी है, करोगे ना। तो यहाँ पर देखिए
पहली खाली जगह, खाली जगह लड़की हूँ, तो मैंने पहली खाली जगह थी 1 से 17 में, उसमें संबोधन है कि लड़के की के लड़की होती तो उसके लिए कौन सा संबोधन आता है, लड़का हो तो उसके लिए कौन सा आता है, उसी तरह से आपको उसमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बच्चों पहली खाली जगह में लड़की हूँ तो यहाँ पर मैं आएगा। तो यहाँ पर आपको सभी बच्चों को लड़की या लड़के हो यहाँ पर खाली जगह में लड़की पूछा गया है। आप लड़के हो तो ऐसा नहीं कि मैं तो लड़का हूं तो यहाँ पर क्यों मैं नहीं लिखना, तो यहाँ पर कौन सा जाति का यानी लड़की लड़की का पूछा गया है इसलिए मैं का ही प्रयोग होता। तो आपको परीक्षा में पूछा जाए कि खाली जगह लड़की हूं तो आपको क्या लिखना है, मैं लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, मैं लिखना है। सभी बच्चों को यहां पर मैं लिखना है, लिखेंगे ना, याद रखना है। किसी बच्चों को याद नहीं रहता तो वह 3 से 4 बार लिख डाले, लिखने की प्रैक्टिस करे घर पर, अधिक से अधिक बार रिवीजन करिए तो ही आपको अच्छी तरह से याद रहेगा। दूसरे प्रश्न खाली जगह की ओर जाते हैं। खाली जगह पिता किसान है, यहां पर पिता का पूछा गया है तो यहां पर क्या आएगा, मेरे आएंगे। क्या आएगा, मेरे। तो आपको क्या लिखना है, मेरे। क्या लिखना है यहां पर, मेरे, मेरे पिता किसान है। उसी तरह से तीसरी खाली जगह में, खाली जगह है माता घर काम करती है तो यहां पर देखिए पिता का नाम हुआ क्या, तो मेरे, और माता का नाम है तो कौन सा संबोधन, मेरी। तो यह खास आपको याद रखना है बच्चों कि लड़के और लड़की में संबोधन में फर्क होता है, इसलिए आपको सोच समझकर यह जो भी मैंने लिखवाया है और जो भी मैंने पुनरावर्तन कराया है उसी में से ही आपको लिखना है। लिखोगे ना, तो यहां पर माता घर काम करती है तो यहां पर आपको मेरी लिखना है। अब चौथी खाली जगह की ओर जाते हैं। खेलना अच्छा लगता है तो यहां पर खेलना अच्छा लगता है तो यहां पर क्या लिखेंगे, मुझे, मुझे खेलना अच्छा लगता है। क्या लिखेंगे, मुझे खेलना अच्छा लगता है। एक बार और पढ़ लेते हैं, पढ़ना है ना मेरे साथ, सभी बच्चों को भी एक बार पढ़ना है। खाली जगह है लड़की हूं, खाली जगह है पिता किसान है तो यहां पर मैं रे लिखना है। खाली जगह माता घर काम करती है तो यहां पर मैं री लिखना है। खाली जगह खेलना अच्छा लगता है तो यहां पर मुझे
जे लिखना है तो एक से खाली जगह अच्छी तरह से सीख ली है और समझ ली है, और सभी बच्चों को मैंने जो जो सूचनाएं दी वह याद भी रह गई है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, सोचिए और क्या करना है, लिखिए। क्या करना है यहाँ पर आपको सोचना है, फिर क्या लिखना है, लिखना है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर उदाहरण दिया है, मैंने आपको बताया था कि उदाहरण इसलिए दिया जाता है ताकि आपको अच्छी तरह से किस प्रकार लिखना है वह पता चले। पिता के पिता को क्या कहते हैं, दादा। तो यह अच्छी तरह से जो भी संबोधन है कि क्या किसको कहते हैं, तो यह याद रखना है बच्चों। पिता के पिता को दादा, आपके पिता के पिता को क्या कहते हैं, दादा। मुझे पता है कब यहाँ पर मैंने पुनरावर्तन भी आपको करवाया था तो भी कई बच्चे नाना लिखेंगे, मुझे पता है। लिखोगे या नहीं, नहीं लिखोगे। पिता के पिता को क्या कहेंगे, दादा। उसी प्रकार पिता की माता को क्या कहेंगे बच्चों, दादी। आपके पिता की माता को क्या कहेंगे, दादी कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, दादी कहेंगे। पिता की बहन फूफी, क्या कहेंगे पिता की बहन को, फूफी। उसी प्रकार माता के पिता को क्या कहेंगे, आपकी माता के पिता को क्या कहेंगे, नाना जी। क्या कहेंगे बच्चों, नाना जी कहेंगे। याद रखना है वो बच्चों, सभी को याद रह गया ना, माता की माता को क्या कहते। आपकी जो माता है उसकी माता को क्या कहेंगे, नानी जी। क्या कहेंगे बच्चों, नानी जी। माता के भाई को क्या कहेंगे, यह प्रश्न है बच्चों, मैंने दूसरी बार यहाँ पर आपको रखा है, आपको पता ही होगा सभी बच्चों को यह प्रश्न आना ही चाहिए, क्योंकि मैंने दूसरी बार रखा है। मैंने पहले समझाया था और फिर पहले भी पाठ में भी समझाया था और यहाँ पर भी समझा रही हूँ। तो माता के भाई को मामा कहते हैं, माता की बहन को क्या कहते हैं, मौसी। क्या कहते हैं, आपकी माता की बहन को मौसी कहते हैं। उसी प्रकार हमारा आखिरी, बहन के पति को क्या कहेंगे, आपकी बड़ी बहन तो होगी ही, होगी है ना, तो क्या कहेंगे,
चीचा। क्या कहेंगे? चीचा। तो यह प्रश्न आपको बच्चों 2 से 3 बार लिखना है। जिस बच्चों को नहीं याद रहता उसे 2 से 3 बार लिखना है। लिखने के कारण आप लिखोगे तो आपको अच्छी तरह से याद रह जाएगा, इसलिए मैंने लिखने को कहूंगी। और एक बार और पुनरावर्तन कर लेते हैं। और अभी क्या करना है? पढ़ना है मेरे साथ। आप पढ़ रहे हो ना, तो चलो एक बार पढ़ते हैं। पिता के पिता को दादा कहते हैं। क्या कहते हैं? दादा। पिता की माता को दादी कहते हैं। पिता के भाई को चाचा कहते हैं। पिता की बहन को फूफी कहते हैं। माता के पिता को नाना जी कहते हैं। माता की माता को क्या कहते हैं? नानी जी। क्या कहते हैं? नानी जी। माता के भाई को क्या कहते हैं? मामा। क्या कहते हैं? मामा। माता की बहन को क्या कहते हैं? मौसी। क्या कहते हैं? मौसी। और बहन के पति को? चीजा। यह प्रश्न याद रह गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। यहाँ पर भी लड़के और लड़की के संबोधन की बात की गई है, तो यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि अरुणा 4थी कक्षा में खाली जगह है, तो यहाँ पर क्या लिखना है? पढ़ती है, क्योंकि वह लड़की है इसलिए पढ़ती है का संबोधन आएगा। उसी प्रकार दूसरी खाली जगह में लड़का खेल रहा है, यहाँ पर रहा हे का संबोधन आएगा। माता पिता का क्या करता हूँ? आदर करता हूँ। क्या करता हूँ? आदर करता हूँ आएगा। एक बार और खाली जगह पढ़ते हैं, पढ़नी है ना। अरुणा 4थी कक्षा में क्या आएगा? पढ़ती। आपको क्या लिखना है? पढ़ती। लड़का खाली जगह खेल, तो यहाँ पर रहा है लिखना है। मैं माता पिता का आदर यहाँ पर करता हूँ लिखना है। तो यह प्रश्न अच्छी तरह से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। आ गया होगा ना? आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है आपका गृह कार्य, यानी घर पर आपको होमवर्क करना है। यहाँ पर आपने जो हिंदी की रिवीजन बुक बनाई है उसमें जो भी मैंने यहाँ पर वीडियो में डाला है कि क्या लिखना है क्या नहीं, वह आपको एक बार अच्छे अक्षरों में लिखना है। जिसको याद नहीं रहता उसको कितनी बार लिखना है? 2 बार लिखना है। 2 बार किस लिए लिखना है? क्योंकि उसको याद नहीं रहता। लिखेंगे ना? अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। बढ़ना है ना? तो आगे क्या है यहाँ पर देखिए कि
नाम चौहाड़ रुमेशा, रोल नंबर 8। तो आ विद्यार्थी छे ई नियमित होमवर्क करे छे। शू करे छे? नियमित मने फोटा मोकले छे होमवर्क ना, एने आपणे बधा ज તાળીઓથી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવશું, કેમ કે આ વિદ્યાર્થી દરરોજ હોમવર્ક મોકલે છે। તમે પણ વિદ્યાર્થીઓ વધારે અને વધારે હોમવર્ક છે એ કરો, જેથી તમને યાદ રહે અને પરીક્ષામાં સારા માર્ક તમને મળે। મોકલશો ને બધા? તમારું પણ નામ રૂમેશાની જેમ લખો આવું જોવે ને? આપણે કેમ રૂમેશાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન બધાએ તાળીઓથી પાઠવ્યા, એવી રીતે તમારું પણ નામ જો આવું જોવે આવશે ને? બધા હોમવર્ક કરશો ને? તો બધાએ મારો વિડીયો જોયો એટલે બધા વિદ્યાર્થીઓને ધન્યવાદ ને આભાર વ્યક્ત કરું છું।